नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में मैं श्रेयांस त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। क्रिकेटर ऋषभ पंत जो कि फिलहाल देहरादून के अस्पताल में भर्ती है, उनकी हेल्थ को लेकर कुछ बड़ी अपडेट सामने आई है। ऋषभ पंत को फिलहाल देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है। ऋषभ पंत को यहां पर भर्ती कराने के बाद अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक फिलहाल वो होश में है और उनके सेहत के लिए तमाम तरीके के इलाज, उनके इलाज की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पताल में। सुबह से इस पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या चीज हुआ, सुबह 5:30 बजे से किस तरह से हादसा हुआ और उसके बाद कैसे ऋषभ पंत को देहरादून ले जाया गया, इस पूरे मामले पर हम अपडेट्स के लिए अपने न्यूज रूम के साथियों के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ राहुल जी हैं जो इस घटना पर सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं। राहुल जी, किस तरह से ऋषभ पंत का हादसा हुआ और अभी फिलहाल क्या अपडेट्स हैं वो हमें हमारे दर्शकों को बताएं। ऋषभ पंत का हादसा हुआ है नरसन बॉर्डर के पास, जहां पर उनकी गाड़ी पलट गई और उसमें वे घायल हुए। खुद विंड स्क्रीन तोड़ा और बाहर निकले। यूपी के डीजीपी ने, उत्तराखंड के डीजीपी ने इस पर अपना बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऋषभ पंत होश में हैं, खुद बात किए हैं और उन्होंने जानकारी दी है कि पूरी घटना उनके साथ किस प्रकार हुई। अभी मैक्स हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम उनकी जांच कर रही है। हॉस्पिटल में उनके हड्डी और स्किन में जो जला है उसकी जांच हो रही है और अब आगे के अपडेट के लिए हम लोग मिलेंगे आगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है जो जानकारी राहुल जी ने बताई, उस अभी शुरुआत से जो इनपुट मिले हैं उनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत की गाड़ी सुबह 5:30 बजे नरसन बॉर्डर है उसके पास सड़क की डिवाइडर से टकराई है। उसके बाद गाड़ी में आग लगी। जब गाड़ी में आग लगी तो ऋषभ पंत ने तत्काल गाड़ी की विंडस्क्रीन को तोड़कर वहां से निकलना ही उचित समझा और किसी तरह से गाड़ी से बाहर आए। गाड़ी से बाहर आने के बाद वो जो मीडियन होता है किसी सड़क पर, जो एक चौड़ा सा पाथवे होता है जिससे सड़क को दो भागों में बांटा जाता है, उस मीडियन पे गिरे हैं। जब स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा तो कंबल दिया और तमाम चीज़ें दी। उसके बाद मेडिकल टीम्स को वहां पर भेजा गया और फिर एक सक्षम अस्पताल है दिल्ली रोड पर जहां उनको भर्ती किया गया। उसके बाद वहां से उन्हें मैक्स अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक ऋषभ पंत को पीठ में, सर में और घुटने में चोट लगी है और डॉक्टर्स की टीम लगातार तमाम एग्जामिनेशन कर रही है। इस पूरे मामले पर रुड़की के एसएसपी अजय सिंह ने जो बातें कही हैं हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए, प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। उत्तराखंड में हुए इस हादसे के बाद सीएम धामी ने ऋषभ पंत के परिवार को मदद का आश्वासन दिया है। सीएम धामी ने खुद ऋषभ पंत की मां से बातचीत की है और ये कहा है कि उनका बेटा जल्द ठीक होगा। सीएम धामी ने किस तरह से ऋषभ पंत की मां से बात की इस वीडियो में देखिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फिलहाल ऋषभ पंत के स्वास्थ्य पर क्या अपडेट्स हैं। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा, तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। हाँ ठीक है माता, ठीक है। एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत को लेकर उत्तराखंड की खानपुर सीट से विधायक उमेश कुमार ने एक बयान दिया है। उमेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और उत्तराखंड से एमएलए हैं। उन्होंने ऋषभ पंत के स्वास्थ्य को लेकर कई बातें कही हैं, हम आपको सुनाते हैं कि उमेश कुमार ने क्या क्या बातें कही और ऋषभ पंत के स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट दिए। सक्षम हॉस्पिटल में उनको लेकर गए थे और वहां पर जो डॉक्टर नागर हैं उन्होंने उनको प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई, लेकिन क्या है इंजरी ज्यादा थी
पैर में और बैक में और अन्य जगहों पर, तो इसलिए उनको हमने सिर्फ मैक्स पहले दिल्ली ले जाने का था, लेकिन एयरलिफ्ट होने की संभावनाएं नहीं थी क्योंकि मौसम खराब था और हाईवे भी पूरा जो है कोहरा है, तो बाय रोड भी उनको 10 घंटे लग सकते थे ले जाने में। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनको देहरादून मैक्स शिफ्ट करते हैं, तो उनको देहरादून मैक्स पहुंचा दिया है, अभी MRI चल रहा है। क्या उनके साथ मदर भी थी आपकी? उनकी मदर है वहाँ पर, उनकी मदर पहुँच गई है, मैं भी पहुँचने वाला हूँ क्योंकि अभी मैं बस उनको अस्पताल भेज के आया हूँ। ऋषभ पंत के स्वास्थ्य पर डॉक्टर्स की एक टीम मैक्स अस्पताल में नजर बनाए हुए है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है और प्लास्टिक सर्जरी और तमाम सर्जरीज के लिए डॉक्टर्स अपने आपसी फीडबैक को ले रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह से मेडिकल मैनेजमेंट होता है और किस तरह से ऋषभ पंत सारी इस इलाज के दौरान क्या क्या अपडेट सामने आती है उनके हेल्थ को लेकर, हम इन सबके साथ फिर से आपके बीच जुड़ेंगे। देखते रहे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।